रमन सिंह के निवास पर अरुण साव, ब्रिजमोहन अग्रवाल और रमन सिंह की मुलाकात हुई। प्रदेश में बीजेपी की जीत के लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं देते नजर आए हैं। तो देखिए, ये मुलाकात बेहद खास, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर ये मुलाकात हुई है अरुण साव और इसके साथ ही ब्रिजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये मुलाकात की है। तो देखिए, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर ये मुलाकात हुई है। तो मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए, छत्तीसगढ़ में सीएम का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले तीन नेताओं की मुलाकातों के मायने क्या है? तो क्या रमन सिंह फिर से छत्तीसगढ़ के सीएम बन रहे हैं? और ब्रिजमोहन अग्रवाल और अरुण साव ने आज बधाई दी है, तीन बार के सीएम हैं डॉक्टर रमन सिंह। और इसके साथ ही बता दें, फिलहाल राजनांदगांव सीट से विधायक हैं। मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल रमन सिंह को सबसे आगे माना जा रहा है, और ऐसे में कयास ये तेज कि ये बधाई देना, ये बीजेपी की जीत की बधाई तो है ही, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह होंगे? और ऐसे में अरुण साव और ब्रिजमोहन अग्रवाल का पहुंचना और यूं बधाई देना, इसके क्या मायने हैं? और ज्यादा इसे समझने की कोशिश करेंगे। सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी। आदित्य जी, मुलाकातें तो देखिए अक्सर होती हैं, लेकिन जब सीएम की रेस चालू हो, जल्द ही सीएम का ऐलान होना हो, ऐसे में छत्तीसगढ़ के तीन वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए? देखिए, ये मुलाकात अपने आप में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ कहती है। और देखिए, तीन बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2000 में केंद्रीय मंत्री पद त्याग कर वो आए थे, 2000 से 2003 अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद तीन में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तीन में भी देखिए बाई इलेक्शन हुआ, पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार लाई, उसके बाद 6 महीने बाद बाई इलेक्शन के बाद उन विधायक चुने गए, मुख्यमंत्री बने। और देखिए, 15 साल लगातार छत्तीसगढ़ में रहे। अभी जो स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ की, जो इतनी सारी घोषणाएं हुई हैं, 1000 रुपए महिलाओं को, 3100 रुपए धान, 21 क्विंटल खरीदी, ये कोई एक्सपीरियंस आदमी ही पूरा कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस शख्स ही पूरा कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रमन सिंह का पलड़ा अभी सबसे ज्यादा भारी, क्योंकि रमन सिंह अगर नहीं तो फिर कौन? क्योंकि रमन सिंह जिस कद के नेता है, वो किसी के मंत्रिमंडल में तो रह नहीं सकते। निश्चित तौर पर आज जो बधाइयों का सिलसिला है, और जिस प्रकार से रमन सिंह जी की बॉडी लैंग्वेज अगर आप गौर कर रहे होंगे रितु, तो बहुत साफ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। कल विधायक दल की बैठक भी होनी है, हो सकता है जो अभी जानकारी आ रही, कल डिक्लेरेशन ना हो नाम को, क्योंकि विधायकों से रायशुमारी करने के बाद पर्यवेक्षक वापस दिल्ली जाएंगे और वहां से डिक्लेरेशन होगा। लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री की दौड़ में, रेस में सबसे ऊपर अगर कोई चल रहा है सर, तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन। बिल्कुल आदित्य जी, और देखिए, जो एक्सपीरियंस है लंबा राजनीति में, अब सीएम किसे बनाया जाएगा, ये जल्द ही इंतजार सभी का खत्म होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुलाकात जिसके मायने तो कई हैं, लेकिन जल्द ही खुलासा भी होगा और स्पष्ट होगा कि छत्तीसगढ़ की कमान कौन संभालेगा।